एक्सट्रीम कॉमर्स के बानी सनी अली फरमाते हैं कि इनोवेशन जो है वो पेट भरों का काम है। तो मैं आज की वीडियो में ज़रा बताना चाहूँगा सनी अली को कि कितने खाली पेट लोगों ने इनोवेशन और क्रिएशन किया इस दुनिया के अंदर। लेकिन शर्त ये कि इस पूरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद अख्तर खान और आप देख रहे हैं जैक एजुकेशन टीवी। अभी चंद महीने पहले कराची का एक मिडिल क्लास घराने का लड़का जिसने व्हाट्सएप की नेमो बदल बनाई, वो भी खाली पेट था सनी अली साहब। फिर अभी ये दो महीने पहले या एक महीने पहले लांडी का एक लड़का है, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त हवाई जहाज़ बनाया। और इससे पहले यानी 2019 में अगर आप जाएं पीछे, दो साल पीछे जाएं, तो पंजाब के एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी जहाज़ बनाया जिस पे फखरे आलम ने बड़ी प्रमोशन की थी, लेकिन उस जहाज़ बनाने वाले को कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। अच्छा जी, फिर उसके बाद 2007 या 8 में एनडी यूनिवर्सिटी का एक मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने हार्ले डेविडसन बनाई और अंडरटेकर जिस बाइक में आता है ना उसकी रेप्लिका बनाई थी। ये सारे खाली पेट और मिडिल क्लास लड़कों की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। फिर एक और इंजीनियर था कि जिसने एक विंड टर्बाइन बनाई जो कि समंदर से बिजली पैदा करने वाली। तो ये वो सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो खाली पेट लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं। सनी अली साहब, आप किस दुनिया में रहते हैं और किस पाकिस्तान में रहते हैं? आप इसी बुनियाद के ऊपर अमेजोन में, चूंकि आपका पैसा लगा हुआ है और आप नहीं चाहते कि इंडिया में जिस तरह से अमेजोन के अगेंस्ट फ्लिपकार्ट पैदा हुआ, अमेजोन के अगेंस्ट जियो मार्ट मुकेश अंबानी का पैदा हुआ, तो आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई और प्लेटफॉर्म खोला जाए, तो अमेजोन के ही गुलाम बने रहो और अमेजोन पे ही सेलर लिस्ट बना बना के, और चूंकि आपका पैसा लगा हुआ है और आपने जो है एक टारगेट सेट करके आए हैं और आप चूंकि खुद कोई इनोवेशन और क्रिएशन पे काम जिंदगी भर किया नहीं है, तो इस वजह से लोगों को जो है वो इस तरह से बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। ऑडियंस जरा कान खोल के समझ लीजिए, आप पाकिस्तान का अगर अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो उस पर आपको ज़्यादा फायदा होगा। पेपैल, पेनियोर जैसे फिनटेक कंपनियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। और आपके अपने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर यहां बहुत सारी तादाद में है और बहुत आसानी से बहुत जबरदस्त ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन सकता है। मेरे पास भी अपना एक बहुत जबरदस्त आइडिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, लेकिन जो सनी अली साहब बात कर रहे हैं ना, इनोवेशन कुछ भी नहीं होता, पेट भरों का काम होता है भाई, इस चक्करों में नहीं लगाओ ये वो, तो फिर स्टार्टअप की चीज भी खत्म कर दो, फिर पाकिस्तान में स्टार्टअप का सपना देखना भी खत्म कर दो, स्टार्टअप की कोई बात ना करें, फिर एंटरप्रेन्योरशिप का नाम लेना भी छोड़ दीजिए बॉस, फिर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जितने भी वर्कशॉप सेमिनार वगैरह करते हैं वो भी बंद कर दीजिए। अगर ये आदमी इस तरह की फजूल बातें करेगा पाकिस्तान में तो फिर इन सब चीजों को भी बंद किया जाए। स्टार्टअप की बातें बंद करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात बंद करें, इंक्यूबेटर सेंटर्स जितने भी खुले हुए फजूल उन सबको बंद कीजिए। इनोवेशन को जब एक बंदा इस तरह से मान नहीं रहा, जेनकॉम की मिसाल आपके सामने है, जिसने व्हाट्सएप बनाया था उसने $19 बिलियन में मार्क जुकरबर्ग को बेचा था, और ये वही जेनकॉम है जिसको मार्क जुकरबर्ग ने खाली पेट रिजेक्ट कर दिया था जॉब में। ये वही जेनकॉम खाली पेट है जिसने अपनी मां के साथ पूरी जिंदगी ज़कात के पैसों पर पले बढ़े। तो जनाब इनको कुछ पता होता नहीं है, ये ऐसे लोग आ गए। एक आजाद चाय वाला भी है, वो भी पूरी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है और लोग बेवकूफ बनने में मतलब मसरूफ अमल हैं। फिर एक इनेबलर्स भी हैं, मैं इसलिए इन सबको लपेट रहा हूं आपस में क्योंकि सब एक ही माइंडसेट के साथ हैं, सभी आपको अमेजोन की गाड़ी के ऊपर चढ़ाने पर लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि अमेजोन को भी लेकर आइए, एक कॉम्पिटेटिव मार्केट का जब पूरी दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म की अंडर द अम्ब्रेला एक माहौल क्रिएट हुआ हुआ है, तो आइए कॉम्पिटेटिव मार्केट में अमेजोन को भी लाइए, अलीबाबा को भी लाइए, लेकिन अपने भी तो क्रिएशन हो, अपने भी तो प्लेटफॉर्म बनाइए। इंडिया को देखिए, अपने पड़ोसी मुल्क में देखिए, फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट को किस तरह से अलीबाबा और अमेजोन का मुकाबला कर रहे हैं। तो और वहां तो खैर बहुत सारे हैं, स्नैपडील है, बिग बाजार है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है डिजिटल, पेटीएम ने भी अपना पेटीएम मॉल के नाम से बना लिया है। तो ये सारी बातें इनकी नॉलेज में होनी चाहिए कि ये कोई गरीब मुल्क नहीं है। आप ये फिगर्स और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ये सब बकवास बातें हैं, सब बकवास बातें हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रांग बाइंग बिहेवियर वाला कंट्री है, यहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है माशाल्लाह से, यहाँ पे तरीका नहीं है, यहाँ पे एक पाथ सही बताने वाला कोई बंदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी आवाम इस तरह की जो फजूल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ना आए और अपने इस दिमाग को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, और अपना और सबका बहुत बहुत ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल एंड हेल्पिंग आउट द पीपल, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, सिर्फ कारोबारी हजरात दुनिया पर हुकूमत करते हैं।